मुझे बात करनी है। किससे? जाहिर है तुम्ही से बात करनी है, और किससे करनी है? मुझसे क्या बात करनी है आपको? देखो, हरकत तो तुमने बहुत घटिया की है। दिल तो नहीं मानता कि तुम्हें माफ करूं, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं दिल की बहुत बड़ी हूँ, इसलिए चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आपसे बहादुर भाई ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, बहादुर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मसला हो गया है। मसला? कौन सा मसला? देखो, मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए कहा ना, तो शाजिया और बहादुर के दरमियान लड़ाई हो गई। मैं समझा नहीं। अकल बहुत मोटी है तुम्हारी। शाजिया ने कहा है कि अगर गुड्डू घर छोड़ के जाएगा तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि शाजिया और बहादुर का घर हमारी वजह से ना उजड़ जाए। वो मेरा मसला नहीं है। एक छापड़ रख के मारूंगी ना तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा। अरे, इतने दिनों से इस घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, अब हलाल करने का वक्त आया तो पीठ दिखा रहे हो। आप मुझे जलील कर रही हैं। तुझे कौन सी नई बात है? तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए अभी तक। जाए, ठीक है, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। अरे अरे, नाराज हो गए तुम, मैं तो मजाक कर रही थी। देखो, तुम बहुत अच्छे हो ना, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से शाजिया और बहादुर का घर ना उजड़े। ठीक कह रही हूँ ना? ठीक है, मैं जाके छुटकी से बात करूँ। कितने तो अच्छे हो, अल्लाह खुश रखे तुम्हारा। जल्दी से तुम्हारे सर पे सहरा सजे। मनुस मारा कहीं का नखरे तो ऐसा करा है जैसे ये घर इसका बादशाह हो कहीं का। मैं जाके बात करता हूँ, कैसे कैसे लोगों को मुंह लगाना पड़ता है। अब छुटकी, अब तुम्हें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं घर छोड़ के जा भी नहीं रही थी। क्या? हाँ, मैं और बहादुर ड्रामा कर रहे थे। वाकई? हाँ, ताकि अम्मी को लगे कि उनकी वजह से हमारा घर खराब हो रहा है और वो आपको जाने से रोक लें। अरे यार, आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा शातिर निकले। क्या मतलब? मतलब ये कि आंटी अभी मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे कहा तुम्हें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ कहा था वो गुस्से में कहा था। हाँ अच्छा, वो सब आप छोड़े, आप मेरी बात सुने। क्या? ये जो ड्रामा हम कर रहे हैं ना, इसको हम कुछ दिन और जाहिर सी बात है, अभी तो ये ड्रामा शुरू हुआ, अभी तो कुछ ही किस्तें हुई, अभी तो काफी किस्तें होनी है। अरे मैं इस ड्रामे की नहीं, मैं उस ड्रामे की बात कर रही हूँ जो हम अम्मी के सामने कर रहे हैं। लेकिन उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत ये है कि अगर हम फौरन से नॉर्मल हो जाएंगे तो उनको लगेगा कि हम ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाय हाय, ये क्या कर दिया मैंने, मेरी वजह से मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा। वैसे तो शादिया मुझे एक आंख नहीं भाती, जहर लगती है मुझे। लेकिन क्या करूं, मेरे बेटे की मोहब्बत जो है। एक बात तो सच है, बहादुर जैसे निकम्मे लड़के को शाजिया जैसी लड़की मिल गई बहुत गनीमत है। और अगर शाजिया उसे छोड़ कर चली गई तो कैसे करूंगी उसकी दूसरी शादी, कौन देगा उसे अपनी लड़की। क्या करूं मैंने, क्या। बहादुर, बहादुर इधर इधर, मेरी बात सुनो, जा कर रहे हो, इधर आओ। जी अम्मी, बोले। अरे मैं कहती हूँ सब भूल जाओ। ये आपको कहने की जरूरत थोड़ी है। क्या मतलब? मतलब कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, अक्सर बात है तो मैं वैसे ही भूल जाता हूँ। अच्छा? हाँ हाँ, अक्सर मेरी बॉस ऑफिस में मुझे काम देती है, मैं वो भी भूल जाता हूँ। फिर क्या होता है? फिर अगले दिन वो मुझे बेतहाशा जलील करती है, लेकिन अगले दिन मैं वो भी भूल जाता हूँ। अच्छा अच्छा, फालतू बातें छोड़ो, और मैं कहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ ना उसे गौर से सुनो। देखो, गुड्डू और शाजिया को रोक लो, सारी बातें भूल जाओ। नहीं अम्मी, नहीं, मैं इस बात को हरगिज नहीं भूल सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने मेरी माँ की मर्जी के खिलाफ बात की है। हाय हाय, माँ सदके वारी अपने बेटे पर, हो तो एक नंबर के जन मुरीद, लेकिन आज माँ से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? अम्मी, जितनी भी कोशिश कर लें, घुटने तो हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ेंगे ना, और मैं हूँ तो आपका ही बेटा, मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। अच्छा, तो मैं ही तो कह रही हूँ कि रोक लो दोनों को, जाने मत दो। नहीं अम्मी, नहीं, मेरी गैरत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती है कि मैं अपने किए हुए फैसलों से पलट जाऊं। बहादुर, बहादुर मेरी बात तो सुनो। बहादुर, या अल्लाह, क्या हो गया इसे, और ये कब से इतना गैरतमंद हो गया? गैरत इजाजत नहीं देती? क्या बताऊं तुम्हें, दिल बुझा बुझा सा, कहीं निकलने को दिल ही नहीं चाह रहा। अब बताया तो था तुम्हें, बहादुर के अब्बू की निशानी तोड़ डाली इन्होंने। आंटी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? आंटी हम जा रहे हैं। तुम लोग जा रहे हो? नहीं अभी फौरन नहीं जा रहे, मतलब मैंने वो ऑनलाइन टैक्सी मंगवाई है, जैसी वो आ जाएगी हम चले जाएंगे। अरे गुड्डू, मैंने तुम्हें कहा था ना, शाजिया को समझाओ। आंटी मैंने छुटकी को समझाने की बहुत कोशिश की, और उसने बताया कि उसको आपसे कोई मसला नहीं है, मसला तो बहादुर भाई से, उन्होंने साफ कह दिया कि जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बहादुर कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया, कोई जिन तो नहीं चढ़ गया उसके ऊपर? मैंने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई बात समझने को तैयार नहीं है। खैर इसे छोड़े, आए सेल्फी लेते हैं। ये क्या होता है? अब
जब हम यहाँ से चले जाएंगे और आपकी याद आएगी ना तो ये तस्वीर देख के खुश हो जाया करूंगा। रुलाओगे क्या मुझे? आइए। एक आप भी ले लीजिए। कैसे कैसे ले? मैं आपको बताता हूँ, आप ये बीच वाला बटन दबाएंगी ना तो तस्वीर आ जाएगी। अच्छा आओ ना, जख्मी मुस्कुराहट तो ना दो। भाईजान। हाँ चुटकी। आगे जरा पैकिंग में मेरी मदद करा दें। मैं जरा आता हूँ। अरे ये लोग तो वाकई में जा रहे हैं। चलो एक अलविदाई तस्वीर ले लूं। तस्वीर तो अच्छी है ये। ये घड़ी तो मैंने गुड्डू को दी थी। मैं तो सारा इल्जाम गुड्डू पे डाल दूंगा। या मेरे अल्लाह, इतना बड़ा धोखा। यानी ये घड़ी गुड्डू से नहीं बहादुर से टूटी है और बहादुर मुझसे झूठ बोलता रहा। अभी जाके से ठीक करती हूँ। अरे आप लोग परेशान ही मत हो, मैंने आंटी को फुल इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया। अरे अम्मी तो मुझे भी कह रही थी कि तुम दोनों को रोक के रखूं, लेकिन मैं भी जम के एक्टिंग करता रहा। भाई अब हम नहीं जाएंगे तो उन्हें यही लगेगा कि उनके कहने पे नहीं गए। अम्मी आ रही है, अम्मी आ रही है। अरे क्या बातें हो रही हैं। आंटी आंटी आइए आइए आइए, मैंने सिर्फ आपके कहने पे छुटकी को मनाया है, वरना ये कहीं चली जाती तो हमें बहुत बुरा लगता। अब हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा तुम दोनों ने जो टैक्सी बुक कराई थी वो कब आएगी? हाँ वो, अरे लाए दे, मैं कैंसिल कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत है अभी उसकी। अरे अब क्यों जरूरत है, अब तो ना मैं जा रही हूँ ना भाई जान। अरे तुम और गुड्डू तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन अब जाएगा तो बहादुर जाएगा यहाँ से। मैं क्यों? अरे वो घड़ी तुमने तोड़ी और इल्जाम इस मासूम पे लगा दिया। गुड्डू नमक हराम, तुमने अम्मी को सब कुछ सच बता दिया। नहीं बहादुर भाई, आपकी बहादुरी की कसम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अरे गुड्डू ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने खुद ये वीडियो देख लिए। आंटी आप यकीन करें, मैं तो सिर्फ अपनी बहन का ससुराल बचा रहा था, वरना मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ। हम भी सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा है। एक तो तुमने मेरे मरहूम शोहर की आखिरी निशानी तोड़ दी और तुमने इल्जाम इस मासूम बेचारे पे लगा दिया। मैंने भी गुस्से में आकर पता नहीं से क्या कुछ कह दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, 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 अम्मी।